दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से बॉलीवुड के लॉस्ट हीरोज या हीरोइंस की लिस्ट में शामिल कई कलाकारों से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। पर आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उन्हें बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय अभिनेत्री के तौर पर देखा जाता है। कुछ सूत्रों की माने तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, और तो और कुछ का ये भी कहना है कि वो बरसों पहले देश छोड़ चुकी हैं। पर पुख्ता जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। यहाँ चर्चा हो रही है अभिनेत्री जैस्मिन दुन्ना की। जैस्मिन को फिल्म वीराना की खूबसूरत भूतनी के रूप में याद किया जाता है। फिल्म वीराना जैस्मिन के करियर की सबसे हिट फिल्म थी। फिल्म में वो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आई थी, साथ ही उनके कई बोल्ड सीन्स भी थे। फिल्म रिलीज के बाद हर ओर उनके चर्चे भी रहे, पर बड़ी सफलता और लाइमलाइट के बाद जैस्मिन अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गई। तो आइए दोस्तों, हमारे इस वीडियो के जरिए एक नजर डालते हैं अभिनेत्री जैस्मिन दुन्ना से संबंधित जानकारियों पर। हम यहां उनसे संबंधित उपलब्ध जानकारियों को साझा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, जैस्मिन के प्रारंभिक जीवन से संबंधित कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपसे उनके जन्म, जन्म स्थान, माता पिता आदि से संबंधित किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन साझा नहीं कर पाएंगे। बात इनके फिल्मी करियर की करें तो इनकी पहली फिल्म सरकारी मेहमान 12 जनवरी 1979 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एनडी कोठारी द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म की रिलीज के दौरान जैस्मिन की उम्र 16 साल थी। कहा जाता है कि निर्देशक एंडी कोठारी जैस्मिन की खूबसूरती से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने जैस्मिन को देखते ही अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया था। फिल्म में जैस्मिन के अलावा विनोद खन्ना और अमजद खान जैसे नामचीन कलाकार भी शामिल थे। इस फिल्म में रविंद्र जैन का संगीत भी था, पर फिल्म सरकारी मेहमान बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई थी, इसलिए इस फिल्म की रिलीज के बाद जैस्मिन को कई बड़े फायदे नहीं हुए। अपनी पहली फिल्म के बाद जैस्मिन को बड़े पर्दे पर आने के लिए कुछ सालों का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद जैस्मिन को साल 1984 में आई फिल्म डाइवोर्स में देखा गया था। जैस्मिन के अलावा फिल्म में विजेंद्र घाटके, ओम शिवपुरी, बिंदु, सुलोचना लटकर जैसे मंझे हुए कलाकार भी शामिल थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई थी। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज के करीब 4 सालों बाद फिल्म वीराना रिलीज हुई, जो आगे चलकर जैस्मिन के करियर की इकलौती हिट फिल्म साबित हुई। किसे पता था कि ये खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री इस फिल्म के बाद गुमनामी के अंधेरों में खोसी जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन राम से ब्रदर्स ने किया था। फिल्म में जैस्मिन ने कई बोल्ड सीन्स शूट किए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों को काफी डराया भी था। वीराना में निभाया गया उनका भूतनी का किरदार ही आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। कहा जाता है कि रामसे ब्रदर्स ने एक बार अपनी ट्रैवलिंग के दौरान धुंध के बीच एक ऐसी ही खूबसूरत लड़की रास्ते में देखी थी। लड़की की मौजूदगी उन्हें डरा रही थी। इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस को रामसे ब्रदर्स ने अपनी पिक्चर में डालने का सोचा। संयोगवश जैस्मिन की खूबसूरती और एक्टिंग ने इन सब क्राइटेरिया को पूरा किया। अपनी रिलीज के बाद वीराना ने काफी धमाल मचाया था। जैस्मिन रातों रात एक सेंसेशन बन चुकी थी। पर पिक्चर की रिलीज के कुछ ही वक्त बाद जैस्मिन बॉलीवुड की गलियों से गायब सी हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्म वीराना में जैस्मिन की खूबसूरती और बोल्ड सीन से उनकी लोकप्रियता में बेशुमार उछाल तो आया, पर उन्हें अंडरवर्ल्ड से भी कॉल्स आने लगे। सूत्रों की माने तो जैस्मिन की खूबसूरती ने अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को भी अपना कायल बना लिया था। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खुद को ही अंडरग्राउंड करने का मन बना लिया। कुछ लोग ये बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कॉल्स और धमकियों से परेशान जैस्मिन ने आनन फानन में ही देश छोड़ दिया और न्यूयॉर्क जाकर बस गई थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जैस्मिन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक जैस्मिन अभी जॉर्डन में रह रही हैं और वहां योग सिखा रही हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जैस्मिन कहाँ है, इस मुद्दे पर केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। कोई ठोस या पुख्ता बात निकलकर सामने नहीं आई है। एक बार निर्देशक श्याम रामसे ने बताया था कि जैस्मिन मुंबई में ही है।
उन्होंने आगे बताया था कि जैस्मिन ने अपनी माँ को खो दिया है, जिनके वो बेहद करीब थी, पर जैस्मिन की जानकारी से जुड़ी बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि श्याम रामसे ने करीब 2 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जब सब जैस्मिन का सुराग ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में उनकी एक नकली फोटो भी खूब वायरल होती नजर आई थी। इस फोटो में खूबसूरत जैस्मिन का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और उनकी उम्र भी काफी बड़ी लग रही है। इस फोटो को उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखा जाने लगा था। जैस्मिन के फैंस ये एक्सपेक्ट करने लगे थे कि जैस्मिन की इस फोटो के पब्लिक डोमेन में आने के बाद उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी सामने आएंगी, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये उनकी असल तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर की असलियत सामने आते ही जैस्मिन की जिंदगी एक बार फिर किसी पहेली की तरह बन गई। दोस्तों, तो ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जैस्मिन से संबंधित जानकारियां। आज जैस्मिन की उम्र 60 के करीब की होगी। उनसे जुड़ी जानकारियों और उनकी मौजूदा स्थिति को जानने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, पर अब उनका व्यक्तित्व एक रहस्य बन चुका है। उम्मीद है आपको बताई गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।